साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, इस वीडियो में इस कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आपको सिखाएंगे हम फार्मूला के साथ और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, तो बने रहिए और देखिए क्या होता है तरीका। साइन 18 की बात है मतलब एंगल क्या है, 18 डिग्री है। 18 डिग्री एक एक्यूट एंगल है और ये जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ना, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेकेंड, कॉट, ये सब के सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, प्लस में आने वाला है। इस बात को पहले ही हम कंफर्म कर देते हैं, माइनस में आने की चांस ही नहीं है, राइट। चलिए यहां देखिए तरीका क्या है सोल्व करने का। लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमने क्या किया, मान लिया, कितना मान लिया, 18 डिग्री मान लिया। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 5 से गुना कर देंगे, देयरफॉर 5 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 18 पच्चीस 90। इस 5 थीटा को हम लोग ब्रेक भी करेंगे कैसे, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा। बोलिएगा सर हम लोग इसे थीटा प्लस 4 थीटा क्यों नहीं कर सकते हैं, 6 थीटा माइनस थीटा क्यों नहीं कर सकते हैं। आपका सोचना बिल्कुल जायज है लेकिन हमको 3 थीटा एंड 2 थीटा के लिए फार्मूला मालूम है, अवेलेबल है, ये चीज़ आपको ही पता है, आपको भी 2 थीटा और 3 थीटा दोनों के लिए फार्मूला पता है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्लियर, इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करेंगे हम लोग, 2 थीटा को रख लेंगे यहाँ पे और इसको भेजेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 थीटा, राइट। अब चर्चा साइन की हुई है, दोनों तरफ साइन ले लेंगे हम लोग, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, राइट। अब बात यहां है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यहां पे थीटा है तो यहां पे थीटा आ गया, बात समझ पा रहे हैं ना अच्छा से, यहां पे 3 है तो क्या हो जाएगा, यहां से कॉस 3 थीटा आ जाएगा, राइट। अब बात को समझते हैं अच्छा से क्लियर कंसेप्ट के साथ में, देखिए सब कुछ क्लियर कराएंगे आपको। यहां देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बात क्लियर हो गया, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला इतना होता है। अच्छा इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही तो होता है ना, आ रहा है ना मजा आगे प्लेटफॉर्म पे ना। चलिए अब देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें से कॉस कॉमन कर लीजिए तो कॉस का कॉमन कर लिया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, देखिए इस कॉस से इस कॉस को कैंसिल कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 अपने जगह पे रहेगा, इसको तोड़ सकते हैं क्या हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 3 बाहर है। अब देखिए लास्ट स्टेप हम यहाँ पे ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4 माइनस क्या हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये बात आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से, आगे आते हैं बढ़िया से। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए क्या करेंगे ना, इसको ले आएंगे इधर, इसको ले आएंगे इधर, तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 4 प्लस में हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, राइट।
प्लस टू कितना हो जाएगा साइन थीटा, और चार माइनस तीन कितना था वन, इधर आ गया तो माइनस वन हो गया बराबर जीरो। अब समझ लिए थोड़ा बढ़िया से, यहाँ पे थोड़ा समझिए इस पार्ट को, हम लोग यहाँ चार माइनस तीन वन आया था ना, इधर आया तो माइनस हो जाएगा, इस पार्ट को अब इधर ले आके फिट कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ बनते जा रहा है। किसकी तरफ बन जा रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। किस फॉर्मेट में है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसी रूप में ना है। यहाँ पे एक्स का काम कौन कर रहा है? साइन थीटा कर रहा है, कर रहे हैं साइन थीटा, तो इसलिए साइन थीटा बराबर माइनस बी, बी का मान टू है यहाँ पे, टू प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टू का स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए का मान चार है, सी का मान माइनस वन है ना, बाई टू ए, टू इंटू फोर। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस, इसको सोल्व कीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो सोलह प्लस चार बीस, रूट अंडर बीस, बाई चार दुना आठ। अब सुनिए माइनस टू प्लस माइनस, बीस को तोड़ेंगे तो चार पचे बीस आएगा, तो चार का रूट दो, रूट पाँच, बाई आठ। हम लोग माइनस दो नहीं, सिर्फ दो का मन करेंगे तो माइनस वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई आठ, कट जाएगा चार से। यहाँ पे हमारे पास क्या मान आ गया, तो माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई फोर, और एक मान आ गया माइनस वन और माइनस रूट फाइव बाई फोर, ये टोटल क्या हो गया माइनस में हो गया, इसलिए इसको निगलेक्ट कर देंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे? क्योंकि पहले ही हम कन्फर्म कर दिए हैं कि साइन 18 का मान क्या होगा, प्लस में होगा, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन 18 डिग्री, थीटा का मान रख दिया हमने 18 डिग्री, माने था ना, यहाँ पे मान क्या हो गया माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई फोर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन 18 डिग्री बराबर रूट फाइव माइनस वन बाई फोर, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। माइनस क्यों निगलेक्ट किए हैं, क्योंकि 18 डिग्री जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए उसे निगलेक्ट कर दिया गया है, नेगेटिव की बात नहीं हो सकती है। तो आंसर आपको समझ में आ गया कि रूट फाइव माइनस वन बाई फोर इज द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री। आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा हमें थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे, और लाइक कर देंगे अच्छा लगा है तो, और आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं कि आपको अच्छा अच्छा वीडियो मिले, कंसेप्चुअल वीडियो मिले, तो दोस्तों में थोड़ा शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो। आपका प्यार हमें मोटिवेशन देगा, एनर्जी देगा, इससे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट पढ़ाने में हम समय देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।